एक सेकंड, एक्सीडेंट हुआ किसका है? इसका कि आप? नो 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 वेट, एक्सीडेंट इसका हुआ है आपकी वजह से। मॉम, थोड़ी देर के लिए शांति रखेगी? सिद्धार्थ, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। जल्दी ठीक भी हो जाएगा, कोई ख्याल रखने वाला तो होगा ना इसका। गुड। क्या बात कर रही हैं सासु मॉम, आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? शुक्र मनाइए कि इन भाई साहब को कुछ याद नहीं है। इनको ये भी नहीं पता ये कौन है, कहां से आए, अंदाजा बना अपना कि टीलू बने पड़े आपके घर में लेटे हुए हैं ये। जिस दिन इनको ये याद आ गया कि आपकी वजह से मौत के मुंह को चुम्मी देके वापस आए, उस दिन सन्नाटे को चीरती हुई चंदनी आपको सुन्न कर देगी। और फिर पुलिस के चक्कर, मुकदमे के चक्कर वगैरह वगैरह, मुझे तो इन सब चीजों की आदत है नहीं, मुझे आपको पता नहीं। बाकी माता रानी मेहर करे। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये डीडी के खिलाफ जा। डीडी के आशीर्वाद से, डीडी के आशीर्वाद से ये हिट एंड रन केसेस में बड़े बड़े स्टारों की बत्ती लग जाती है। तो आपकी डीडी किस खेत की मूली है डीडी के आशीर्वाद से? मेरा सुझाव ये है कि आप इनको अपने घर पे रखिए। अगर इतने के बावजूद भी आप लोगों को जेल की हवा खानी ही है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं कौन होता हूं कुछ भी कहने वाला? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो जवाई भी हुआ करता था, अब तो वो भी नहीं हूं। मॉम, इतना सब कुछ हो गया कल रात को और आपने मुझे बताना, कुछ और हो जाता तो। थैंक यू सिद्धार्थ, मॉम की हेल्प करने के लिए। मेरे हिसाब से सिट सही कह रहा है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे भी यही लगता है मॉम, ये आदमी बीमार है, इसको हम अपने घर पे रखते हैं, जब ये ठीक हो जाएगा ये जा सकता है, उससे पहले इल बी अ रिस्क। नहीं नहीं ठीक है, जो तुम लोग सब कह रहे हो वो ठीक है, वही करेंगे। सुपर फैबुलस, तो अगर सब कुछ सेट हो गया है तो मैं यहाँ से वनटास की गोली लेता हूँ, मतलब यहाँ से फूटता हूँ। सी यू लेटर सिद्धार्थ जी। थैंक यू। वैसे थैंक यू आपको कल ही बोल देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे भी मुझे यहाँ अब रोज आना पड़ेगा। क्या हो गया, घूर क्यों रही है? आपसे मिलने नहीं आऊंगा मैं, इनका हाल चाल देखने आऊंगा। सी यू, एंजॉय। मॉम, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, चल। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है घर में हो क्या रहा है। अब हम करेंगे क्या डीडी के आशीर्वाद से? क्या करना, इंतजार करना पड़ेगा। तबीयत ठीक हो जाए, याददाश्त वापस आ जाए, चला जाएगा अपने आप अपने घर। आप ये सब बर्दाश्त कैसे कर? क्या करूं मोना दीदी, रोशनी के लिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस घर के लिए और आप लोगों को भी बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ वक्त के लिए। बस इतना ध्यान रहे कि किसी को पता ना कुछ चले, दैट्स ऑल। तो मैं काम करता हूँ, आज की पार्टी कैंसिल। आप लोग क्या, इस बिजनेस की जरूरत है हमें, अभी तो सब कुछ शुरू किया और अभी से खत्म। पर इनका केसव, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, हमारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी, जैसे चल रही थी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही, कुछ नहीं बदलेगा। बस दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, एक तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी और दूसरा कुछ भी हो जाए प्लीज रोशनी को कुछ ना पता चले, दैट्स ऑल। दीदी के आशीर्वाद से।